अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मज़े में होंगे ढेर सारा। चले जी, आज शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी लबे शीरी। सबसे पहले एक पॉट में मैंने मिल्क ले लिया, दूसरी तरफ मैंने एक कप में मिल्क लिया नॉर्मल, ये ले लेना है, ज़्यादा इसको ठंडा या गर्म नहीं लेना। इसमें ऐड करेंगे ड्राई कस्टर्ड पाउडर, क्वांटिटी अपने हिसाब से मेजरिंग कर लीजिएगा, ज़्यादा हो तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम हो तो कम, ये एडजस्ट खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 टेबल स्पून कस्टर्ड की ज़रूरत थी तो मैंने 3 टेबल स्पून ऐड कर दिए इसमें, और फ्लेवर जो आप मर्जी, जैसा कि मैंने कहा है, आप जो दिल करे आप वो फ़्लेवर यूज़ कर लें, ठीक है जी। अब मैंने इसको लो फ्लेम पे बना रही हूँ। ये सबसे पहले कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया। नंबर सेकेंड, अब इसमें शुगर ऐड करी हूँ। शुगर जिस क्वांटिटी को पहले आप कस्टर्ड में डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ज़्यादा रखनी, क्योंकि बाद में इसमें क्रीम ऐड होगी। ओके जी, अब ये कलरफुल सेवइयां ले ली हैं, इनको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पे मेरा फ्लेम लो ही है और मैंने अच्छे से इसको बॉईल कर लिया, ऐसे पकता रहेगा। और पकने के बाद मैंने इसमें वो जो पहले बना के रखा था कस्टर्ड ड्राई पाउडर डाल के कप में वो ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा इसमें बिल्कुल भी कोई भी किसी किस्म का चंक ना रह जाए, वो बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अब इसको मैं कूल होने के लिए रख दूँगी। अच्छे से पक गया है, देख सकते हैं आप कि पका के मैंने इसको कितना थोड़ा सा रहने दिया है। कस्टर्ड अच्छे से पके तो ज़्यादा मज़े का लगता है। अब इसको कूल होने के लिए रख दिया मैंने फ्रिज में, आप किचन में भी रख सकते हैं। ओके, इधर मैंने यहाँ ऐड की है 3 जेलीज़ हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की हैं। एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ये, एक ग्रीन, अच्छा कलर्स के हिसाब से अब मैंने देखी हैं, मैंने को फ्लेवर के हिसाब से स्पेसिफिक कलर नहीं देखे, वो सॉरी फ्लेवर नहीं देखे मैंने कलर्स, क्योंकि मुझे 3 कलर्स चाहिए थे, ग्रीन, और ये आपको साइड पे पिंक नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली डार्क रेड निकलेगा बाद में। साथ ही मैंने इसमें बहुत हॉट वाटर ऐड किया और अच्छे से जो इसकी शुगर इसमें है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी। फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे कूल होने के लिए। और उसके बाद जी वो मेरा जो कस्टर्ड ठंडा हो गया, उसमें मैंने कोई सी भी आपने अच्छी क्रीम ऐड कर लेनी, पतली ना हो, उसको चील अच्छे से कर लेंगे वो कस्टर्ड में, लास्ट में वो ऐड करेंगे। अब ये यहाँ पे सिर्फ मिक्सिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं है लंबा चौड़ा, ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद थोड़ी सी सेवइयां चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी सेपरेट कर लें आपको यूज़, मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको साइड पर रख देंगे। आपके पास घर में जो मौजूद हैं फ्रूट्स वो कट कर लें। मैंने ये टीन फूड ऐड किया है इसमें, कैन के ये फूड है, इसमें छोटे छोटे से ये हैं, मिक्स है ये एक्चुअली, इसमें वो भी अनानास भी है, डिफरेंट है, जो भी थे मुझे मिले वो मैंने यूज़ कर लिया। आप भी कोई सा भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। वो पहले सबसे पहले नीचे रख लिया, उसके बाद मैंने कस्टर्ड और सेवइयां डाल दी जिसमें क्रीम भी ऐड थी। उसके बाद इसकी हम कर लेंगे अच्छी सी डेकोरेशन, ये ग्रीन और ऑरेंज और डार्क पिंक कलर सा शेड है, और ये हम बना लेंगे अच्छा सा गोल सर्कल। कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, मुझे सिंपल सिंपल यही अच्छा लगा क्योंकि मुझे जल्दी पड़ी हुई थी बनाने की, दैट्स इट। इसमें और कोई मुश्किल नहीं है, बट ये है इसको अच्छे से चिल करके खाना है। और प्लीज़ इसमें कोई, मैं बार बार बात बता रही हूँ ये बात, इसमें कोई सभी चंक नहीं रहना चाहिए कस्टर्ड में, वो बहुत उसके अच्छा सा थिक नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें ये ज़रा बड़ी एक अच्छी सी ये मैं आपको टिप दे रही हूँ। अच्छा जी, अब ये सारा अच्छा सेट हो गया है, सिंपल, दैट्स इट। वो जो लास्ट में मेरे पास कैन के बच गए थे फ्रूट्स, वो मैंने ऊपर गार्निश कर दिए हैं। साथ में मेरे पास कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ता पड़े हुए हैं, वो मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद हम इसमें आइसक्रीम ऐड कर देंगे, दैट्स इट जी, हमारी ये रेसिपी बन के तैयार है। अच्छा, फ्लेवर कोई सा भी आइसक्रीम का ले सकते हैं, बट मैंने वनीला फ्लेवर इसमें ऐड किया है। और चिल करें और इसको खाएं। अच्छा, ये आइसक्रीम इसको तभी इसके ऊपर डालिएगा जब आप इसको सर्व कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं।